यहाँ पे मैं जाने लगी थी पार्लर। मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना भी एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। ये ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ था, मैंने कहा इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बीट्रिक की शर्ट थी जो मैंने खुद स्टिच करवाई थी, और ये ट्राउज़र था जो कि मैंने पता नहीं कौन से ब्रांड से लिया था, नाम याद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी तो वैसे हर तरफ ही है। तो मैं निकली थी बाहर पार्लर, ये है ब्राइडल पार्लर जो कि गुलगश्त में है। यहाँ मैं पहुँच गई थी, तो बस थोड़ी सी वीडियो मैंने कहा आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ बना के। गर्मी की वजह से स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, तो ईद भी थी, तो मैंने कहा चलें कुछ सोच लेते हैं अपनी स्किन के बारे में। ये है रूम जो कि हमें सेपरेट रूम मिला था, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। मैंने वाइटनिंग फ्रूट फिशर लिया था रेगुलर, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। पार्लर में रश भी बहुत ज़्यादा था, मुझे मुल्तान का ये ब्राइडल पार्लर बहुत पसंद है। यहाँ का मैं जब भी आऊँ यहाँ का फिशल ज़रूर लेती हूँ। इसके साथ ही फिशल तो ले लिया था, अब हम घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में देखें इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो बस दिल को देख के ही कुछ होता है, बस था कि फटाफट घर पहुंच जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम घर पहुंचे, यहाँ पे कैट बैठी हुई थी बहुत ही प्यारी सी, तो जैसे मैंने इसको टच किया ये अपनी आईज से मुझे देख रही थी बड़े प्यार से, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। फिशल लेने के बाद जैसे मैं घर आई, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद नमाज़ तो खैर मैं पढ़ के ही गई थी, आज फ्राइडे था, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा बालों की भी कोई ट्रीटमेंट सोच लेते हैं, कोई टिप्स सोच लेते हैं। तो ऑयल वगैरह पड़े हुए थे, बनाना पड़े हुए थे, मैंने कहा कुछ ऐसा हेयर मास्क बना के लगाती हूँ जिससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ हुए हुए थे और डैमेज हुए हुए थे, थोड़े से बेहतर हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी के अंदर मैं कलवंजी का ऑयल ऐड करूँगी, 1 टीस्पून के करीब ऐड कर लिया है मैंने। इसके साथ ही कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी, कोकोनट ऑयल में पहले से ही कलवंजी ऐड की हुई है, तो ये मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब ऐड कर लिया। इसके साथ ही मैं इसमें हनी ऐड कर लूँगी। हनी ऐड करने के बाद कोकोनट ऑयल, वाटिका हेयर कोकोनट ऑयल है ये, इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया। और ये है आमला ऑयल, ये मैंने इसमें ऐड किया। कोई से भी ऑयल है, मिक्स ऑयल है, जो भी ऑयल पड़े हैं आपके पास आप इस मास्क में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाना लिया, इसको मैं मैश कर रही हूँ। यहाँ पे बनाना को मैं थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, जैसे ये मैश हो जाएगा तो इसमें मैं क्या करूँगी, जो मैंने सेपरेट ऑयल बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देती हूँ, और एक एग लेके एग को ऐड कर लेते हैं, और इसको ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर लूँगी। जैसे ये ग्राइंड हो जाएगा इसको मैं अप्लाई कर लूँगी सर पे, और 2 से 3 आवर के लिए लगा रहने दूँगी। उसके बाद मैं किसी अच्छे शैम्पू से इसको वॉश कर लूँगी। इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।